देश भर में ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक चल रही है और आज दूसरा दिन है। और जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करके अब जो प्रावधान रखा गया है कि जो चालक होगा, ड्राइवर होगा, उसके खिलाफ अगर दोषी वो पाया जाता है तो 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। उसी के विरोध में जो है ये एक प्रोटेस्ट जो है पूरे देश भर में चल रहा है और जम्मू में भी इसका खासा जो है इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरह से कल से ही काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की तरफ से और कई सुबह भी देखा गया कि गाड़ियां जो हैं बस, ट्रक और टैंकर्स हैं वो काफी विरोध में थे, गुस्से में थे। और आज भी इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेयरमैन अजीत सिंह हैं जो वो बातचीत भी कर रहे हैं। तो हम होम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर दोबारा फिर से सोच विचार किया जाए। ड्राइवर कहाँ से देगा जी, ड्राइवर कहाँ से देगा? ड्राइवर दिहाड़ी लगा के अपना रोजी रोटी का वसीला कर रहा है। आज भी अगर ड्राइवर अपना गाड़ी खड़ी कर रहा है तो घर में उसका परिवार भूखा रहेगा। चलो एक दिन के लिए खिला देगा, कल भूखा रहेगा, मगर वो बोल रहा है कि वो 10 साल जेल जाने से अच्छा है, पैसे तो मैं दे नहीं सकता, 10 साल जेल जाने से अच्छा है कि मैं भूखा रह जाऊं 4 दिन, कोई बात नहीं है। मगर इस काले कानून के तहत कोई भी ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि कब तक ये बंद रहेगा? देखिए, जब तक हमारी आवाज सेंटर तक नहीं पहुंचती और उस प्रपोजल को वापस नहीं लिया जाता, ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान का बंद है। हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े हैं, समूह ड्राइवर साहबानों के साथ खड़े हैं, उसमें आप हम सब आते हैं, हम अपने साथ खड़े हैं, किसी का छोड़िए, हम अपने साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। सो जब तक इसका कोई प्रावधान नहीं निकलता, इसका कोई मसला हल नहीं होता, तब तक हमारे ड्राइवर गाड़ियों में नहीं बैठेंगे। काफी कड़ा जो है एक इस तरह का प्रोविजन लाया जा रहा है कि 304A के तहत, इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो जो प्रावधान रखा गया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, कितना मुश्किल रहेगा इस कम्युनिटी के लिए, जो ड्राइवर कम्युनिटी है जो ऑलरेडी देखने में आ रहा काफी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में रहती है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और आपके चैनल के राही सबको नए साल की बधाई देता हूं, मगर नए साल में ही ये एक दुख वाली बात हो गई। पहली बात कि ड्राइवर कम्युनिटी की बात आप करेंगे तो हम आप भी उसी में आते हैं, क्योंकि उसमें वर्ड आया है, उसमें ट्रक ड्राइवर या पैसेंजर व्हीकल या गुड्स व्हीकल नहीं लिखा हुआ, उसमें ड्राइवर है। ड्राइवर में अभी आप गाड़ी लेके आए हैं तो अभी आप जाते हुए आप भी ड्राइवर हैं। आपसे भी अगर कुछ अनहोनी घट जाती है, कोई जान को तो करेगा नहीं, तो उस चीज में, उस एक्ट में आप भी आएंगे और मैं भी आऊंगा। तो चलो कहीं ना कहीं मैं और आप कहीं ना कहीं चलो कहेंगे जी कुछ करके दे भी सकते हैं, मगर जो ड्राइवर तबका 10 दिन में चूल्हा नहीं जलाएंगे कोई बात नहीं, भूखे मर जाएंगे, मगर 10 साल की जेल कैसे काटेंगे? लेकिन इस ऐसी में क्या लग रहा है कि अब काफी क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि लोग इस प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं करेंगे जो आगे आने वाले समय में, कि ड्राइवर जैसा काम तो बड़ा बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्राइवर, फिर वही बात आ गई, मैं और आप कार चला रहे हैं, कार के थ्रू ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, मैं और आप कहाँ जाएंगे? मुझे और आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना। आप ये ड्राइवर वर्ड सुनने से ना पता नहीं क्यों हमारी आवाम यही सोचती है कि बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, नहीं, ड्राइवर मींस हम सब हैं। क्योंकि आज की देश में हिंदुस्तान का मेरे हिसाब से 90-95% बंदा वो ड्राइवर ही है, क्योंकि अपनी कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, सब तो ड्राइवर ही होगा, जिसका लाइसेंस बन गया वो ड्राइवर हो गया है ना। तो वो ये जो कानून है ये सबके ऊपर लागू हो रहा है ना। जब हम इस पर बातचीत भी कर रहे थे कुछ लोगों से, कोशिश कर रहे थे आखिर इन ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए इनको क्यों इतनी दिक्कत है, उन्होंने कहा कि इनके हैवी व्हीकल्स और ज्यादातर ये हाईवेज पे रहते हैं तो वहां पर एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ऐसी सिचुएशन में देखा गया है कि जो विक्टिम होता है वो उसको छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ा कारण था जिस वजह से इतना स्ट्रिंजेंट ये जो लॉ लाया गया। इसमें मैं आपको बताऊं, पहली बात ये है कि कभी भी जानबूझ के तो एक्सटेंड करेगा नहीं। दूसरा, हमारे ऊपर एक इंश्योरेंस है, हम लाख लाख रुपए इंश्योरेंस दे रहे हैं। अगर ड्राइवर हाईवे में या हिल में गाड़ी चला रहा है तो वो हिल का लाइसेंस और प्लेन का लाइसेंस बना के चलाता है। जब उसका वैलिड लाइसेंस है, जब वो इंश्योरेंस के पैसे दे रहा है, देखो एक्सीडेंट अभी आप देख रहे होंगे, अभी फॉग का टाइम है तो 50-50 गाड़ी एक साथ में एक्सीडेंट हो रही है, अब वहां में किसको क्या बोलोगे, वह भी हिट एंड रन बोलोगे? ये गलत चीज है, इस चीज की हम मुखालफत करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। हाँ, अगर कोई कानून, देखिए हम भी बोलते हैं कि एक्सीडेंट में मरने वाला आपका कोई रिश्तेदार या मेरा रिश्तेदार या मैं और आप भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट के तो हर आदमी खिलाफ है ना, मगर आप ड्राइवर के दिमाग में इतना
होल डाल देंगे तो जो नहीं एक्सीडेंट होने वाला वो भी हो जाएगा। तो इसमें दहशत का माहौल बन गया। इसमें वे आउट क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि कोई ना कोई ऐसा एक राइडर रहे ताकि कहीं ना कहीं चाहे ड्राइवर जो कम्युनिटी है जो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान हो कि कोई विक्टिम है एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाएं, और दूसरा जो है वो भी थोड़ा सा संभल के चलें। कुछ गलतियां ना कई बार होती हैं कि हो जाती हैं कि आप तेजी से चला रहे हैं, कई बार कुछ और भी चीजें होती हैं। देखिए आप जानते होंगे हम पिछले दिनों भी लड़ रहे थे अपनी जेके प्रशासन से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे थे कि जब भी कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी होनी चाहिए, जब भी कोई नई अमेंडमेंट करनी है, अगर स्टेट उसको चाहिए कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रांसपोर्टर हैं उनको लिया जाए, उनसे विचार किया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हर एक स्टेटों के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएं, उनके साथ मशवरा किया जाए। अगर उनके साथ मशवरा करके कोई ये चीज निकाली होती तो मेरे हिसाब से आज ये विरोध ना होता। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब कि जो उनकी अपनी परेशानियां और दिक्कतें हैं उसको भी सुना जाता तो फिर उसको मिलकर एक कंसेंसस तैयार हो जाती तो एक इस पर रूल एक रूल बन सकता। क्योंकि हर आदमी मालक ड्राइवर हर आदमी चाहेगा कि कम से कम एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट ना हो। आज एक्सीडेंट होता तो एक मालिक भी खत्म होता है, खाली ड्राइवर ही नहीं, एक मालिक भी खत्म, उसकी गाड़ी खत्म होती है ना, वो बड़ी अफसोस की बात है। मगर में अगर आप सहमति से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बनाया तो उसको चाहिए था रिप्रेजेंटेटिव दो दो तीन तीन सब स्टेटों के बुलाते, 60-70 बंदा हो जाता, उनको एक एक कोई देते एजेंडा कि ये है जी हमारा, आप इसमें अपनी अपनी राय दो, है ना, आप इन राइटिंग राय दो, सबकी राय लेके सेंटर का कोई एक ऐसा कंसेंस होता कि सेंटर का कोई एक रास्ता निकलता तो आज ये हालत ना होता। मेरा आखिरी प्रश्न, अब आगे का क्या रहेगा आपका प्लान, जैसे कि आज दूसरा दिन है, अभी कल का दिन भी है और पेट्रोल पंप में भी काफी वहां पर इस समय सिचुएशन बड़ी क्राइसिस वाली होना शुरू हो गई है, कुछ ड्राई अप भी हो गए हैं, अब क्या रहेगा? मुझे लगता है कहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेटों का कम्युनिकेशन गैप है और मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अभी तक इन राइटिंग कोई चीज हमारे पास नहीं है, पेपरों ने जो सुना वो लिखा, पहली बात है ना, और इसका मेन है हिट एंड रन केस के लिए ना, कहीं ना कहीं इन राइटिंग कुछ निकल के आना चाहिए था, परफेक्ट जो एक कोई उन्होंने शोध करने की जरूरत समझी है वो निकल के आनी चाहिए थी। और दूसरी ये है कि इसको शोध करने के लिए सबकी राय लेनी बड़ी जरूरी थी। फिलहाल का जो माहौल है उससे हमको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है, वो इस कानून का जो उन्होंने ये इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे और एक बार के लिए इसको अभी रोकेंगे और सबकी राय लेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को उनकी राय लेंगे, अपना एजेंडा बताएंगे, उनकी राय लेंगे, फिर सेंटर को ये आपसी सहमति से कुछ एक निकलेगा, तब ये विरोध नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंटों के हर आदमी खिलाफ है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि गरीब को मार दिया जाए, ये गरीब मरने वाले। बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू। हिट एंड रन केस में आपने जिस तरह से अभी सुना कि काफी नाराजगी है, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो एक नया रूल लाया गया है, कानून लाया गया है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना उसके खिलाफ है, और एसोसिएशंस का यही कहना है कि सरकार को रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना चाहिए और इस मामले को लेकर बातचीत करनी चाहिए कि क्या प्रावधान हो सकते हैं, या इस तरह के कानून को फिलहाल ये नकार रहे हैं और इसे काला कानून बता रहे हैं क्योंकि इसमें राय नहीं ली गई, और कहीं ना कहीं ड्राइवर जो हैं वो सबसे ज्यादा मुसीबत में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।